नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल, आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय बाबा नीब करोली महाराज जी आप सभी भक्तों के जीवन में बहुत कृपा बनाए रखें, और अगर कोई कष्ट आपको भ्रमित करते हैं तो उन कष्टों का त्वरित निवारण करते चले जाएं। दोस्तों, बाबा नीब करोली महाराज जी अपने भक्तों के सामने कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनको पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिसे बाबा चाहते हैं वही उन्हें पहचान सकता है, वरना तो ऐसी दिग्भ्रमिता बन जाती है कि आनंद और आश्चर्य का अद्भुत मिश्रण हो जाता है। उस परिस्थिति में तो आपका मन भी आपका ही गुलाम हो जाता है कुछ क्षणों के लिए। उसे भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ भागूँ, कहाँ जाऊँ, किसे अपनाऊँ, किसे छोड़ दूँ। कई कई बार तो ऐसा भी हुआ कि महाराज जी अगर आ जाते हैं तो भक्त को ही नहीं, भक्तों के साथ में चारों तरफ के वातावरण को भी भ्रमित कर जाते हैं। ये जो भ्रम है ये कोई उनका अभाव नहीं है, अपितु यह तो उनका परम आनंद है। इस भौतिक जगत के नकारात्मक भ्रम में रहें, उससे बेहतर तो है महाराज जी की लीला के भ्रम में रहें, अगर वह भ्रमित ही करना चाहते हैं तो। और महाराज जी जब भी अपने भक्त के सामने प्रकट होते हैं तो वह इसे कुछ प्रमाणित करने के लिए नहीं होते हैं, अपितु यह तो उनके आनंद के लिए और आपकी अनुभूति के लिए होता है, जो उस घटना के बाद आपके लिए भी आनंद का ही अनुभव बन जाता है। आज का ये वीडियो खास है, इस वीडियो में आपको एक ऐसी रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी प्रकट तो हुए परंतु उन्होंने भ्रमित कर दिया, और उस घटना के वृत्तांत को सुनते हुए आपको भी आश्चर्य और आनंद का अद्भुत मिश्रण महसूस होगा। आपके भी मुख से यही निकलेगा, जय हो महाराज जी, जय हो आपकी। दोस्तों, अगर वीडियो देखते हुए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ ही जो लोग सहृदय सहयोग करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। आइए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही रोचक और अद्भुत घटना पर। यह घटना है लखनऊ की। दोस्तों, लखनऊ में बहुत ही प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर है। यह घटना उस दिन की है जिस दिन उस मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। पूरा मंदिर उल्लास से भरा हुआ था, सुबह से ही अनेकों तैयारियां चल रही थी, हर भक्त प्रफुल्लित था, आने वाले जाने वाले सभी के मन में एक उल्लास था कि आज हमारे हनुमान जी यहाँ पधारेंगे, यहाँ विराजेंगे। और जो खास भक्त थे, जिन लोगों ने महाराज जी का सानिध्य पाया है, महाराज जी की सेवा करी है, उन्हें तो ये ज्ञात ही था कि हनुमान मंदिर बाबा महाराज जी की कृपा से ही स्थापित हुआ है। अतः उनके मन में तो एक और विशेष प्रकार का ही प्रेम आनंद था। और वहीं पर बाबा महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक भक्त जिनका नाम श्रीमती शांति पांडे है, वह उस दिन बाबा के भाव में इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी, इतनी ज़्यादा मग्न थी कि वह सवेरे से ही गुरु स्तुति गाई जा रही थी। और वह गुरु स्तुति वह थी जो श्रीमती शांति पांडे बाबा महाराज जी के सामने बैठकर अक्सर उन्हें सुनाया करती थी, और महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उनके भाव को ग्रहण करते थे। उस दिन उनके आसपास कई लोग बैठे थे, जैसे उनके पति श्री ललित मोहन पांडे जी, कैंची आश्रम के मैनेजर श्री विनोद चंद्र जोशी जी, और लखनऊ मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री भूषण चंद्र जोशी जी, साथ ही अवकाश प्राप्त आई जी कारागार ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री केआर सिंह भी वहाँ पर मौजूद थे। ये सभी लोग महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं और किसी न किसी रूप में बाबा महाराज जी की सेवा में जुड़े रहे। इन्हीं सब के बीच में शाम को लगभग 3 बज रहे होंगे, प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक पता नहीं कहाँ से एक सुगठित जिस्म वाला बहुत ही लंबे शरीर का एक साधु ने मंदिर में प्रवेश किया। जब उस साधु ने मंदिर में प्रवेश किया, वह साधु मंदिर में आया और उसने किसी की तरफ नहीं देखा, जैसे उसे उस कार्यक्रम से कोई मतलब ही ना हो। वह सीधा मंदिर के अंदर आकर बाबा हनुमान की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और उसने सिर झुकाकर नमन किया, और साथ ही अपनी झोली में से कुछ नोट निकालकर वहाँ पर भेंट पात्र में डाल दिए, जैसा कि अमूमन आगंतुक करते हैं, भेंट पात्र देकर आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। परंतु वह साधु तो श्रीमती शांता जी के पास जाकर बैठ गया। श्रीमती शांता देवी बाबा महाराज जी की जो स्तुति गा रही थी उसी प्रेम भजन को वह सुनने लगा। भजन गाते गाते जब तिरछी नज़र से श्रीमती पांडे ने उन साधु के दर्शन किए तो उनके दर्शन मात्र से ही न जाने क्या हुआ, वह इतनी भाव विभोर हो गई कि वह खड़ी होकर झूम झूम कर भजन गाने लगी। उनकी आंखें पूर्ण रूप से बंद हो गई थी और उनकी चेतना का जोर वह ऊंचाइयां छूने लगा कि वह महसूस करने लगी कि शायद वह भजन गाते गाते अब बेहोश हो जाएंगी। आंखें बंद होने के बाद भी झूमते हुए उनके मन में ये दृढ़ता बार बार आ रही थी और वह महसूस करने लगी थी कि जैसे साधु के वेश में बाबा नीम करोली स्वयं वहाँ पधारे हों। और दोस्तों, ये सिर्फ श्रीमती पांडे के साथ ही नहीं बल्कि बाबा के कुछ अन्य पटु शिष्यों को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उन्हें उनका बैठना, मुस्कुराना और उनकी भावभंगिमाएं बाबा महाराज जी से मिलती हुई महसूस हुई। परंतु चूंकि शरीर दूसरा था, शक्ल दूसरी थी और वस्त्र दूसरे थे, अतः अन्य भक्त बार बार खुद को यही समझा रहे थे कि नहीं नहीं शायद ये हमारा भ्रम है, और इसीलिए साधु की भिन्न आकृति होने के कारण वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, बड़े ही दिग्भ्रमित हो चुके थे। श्रीमती पांडे का भजन समाप्त होते होते
वह साधु उठकर चला गया। वहीं विद्वान श्री केयर सिंह ने साधु से कुछ कहना चाह रहे थे। वहां उपस्थित श्री केयर सिंह ने भी उन साधु को देखा और वह उन्हें कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनका मन हिम्मत ही नहीं कर पाया। जब वह साधु उठकर चले गए तो उनके जाने के बाद में श्रीमती पांडे और अन्य तीन भक्तों के बीच में उस साधु के बारे में चर्चा होने लगी। तो उन्हें लगा कि क्यों न किसी को भेजकर मंदिर के प्रांगण में ढूंढा जाए, शायद कहीं वो विश्राम कर रहे हो बैठे हों। परंतु जब उन्होंने अन्य व्यक्तियों से उन साधु के बारे में बात करनी चाही तो उन्हें पता चला उन चार व्यक्तियों के अलावा जो भजन में शिकरत कर रहे थे किसी ने भी साधु को आते जाते और बैठते नहीं देखा। यहाँ तक कि दोस्तों वह साधु हनुमान को मुखाबिर होकर प्रत्यक्ष में बैठे थे, परंतु हनुमान जी के सेवारत पुजारी की भी दृष्टि से वे ओझल रहे। बातों बातों में पुजारी ने कहा कि यहाँ तो मैंने किसी साधु को नहीं देखा, आप लोग किसकी चर्चा कर रहे हो? तो श्रीमती पांडे और कैसी ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि वे बाबा नीमकरी महाराज जी थे। वह जिसे दिखाना चाहते थे उसे दिखा गए, और जिसे नहीं दिखाना चाहते थे भले ही वह हनुमान जी के चरणों बैठा है वह नहीं देख पाया। यह तो गुरु की कृपा ही नहीं, कृपा से बड़ी उनकी विशेष कृपा हुई। और ऐसी विशेष कृपा जब भक्तों पर होती है तो उनके आश्चर्य और आनंद का अद्भुत मिश्रण उनमें प्राप्त होता है। महाराज जी प्रत्यक्ष में होकर भी जब तक नहीं चाहेंगे, जब तक उनकी इच्छा ना हो, जब तक उनका आनंद ना हो, आप उन्हें कभी नहीं पहचान सकते। आपका मन और मस्तिष्क ऐसी शून्यता में चले जाते हैं कि आपकी चेतना तो आपको उकसाती है कि आगे बढ़कर उनके पांव पकड़ लो, लेकिन आप नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे के साथ संरक्षक ही नहीं होते अपितु अपना आनंद भी साझा करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने भक्त के साथ परम संरक्षक ही नहीं अपितु अपने परम आनंद को भी साझा करते हैं। और ये सब दिव्य घटनाएं जहाँ पर महाराज जी प्रत्यक्ष होते हुए भी भक्त को नहीं पहचाने देते, ये वही परम आनंद है। जय हो प्रभु की जय हो। जय हो बाबा नीमकरणी महाराज जी, परम गुरु की जय हो। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को सभी लोगों में साझा कीजिएगा। जितने आपके चिरपरिचित लोग हैं सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक महाराज जी के आनंद और आश्चर्य का अद्भुत मिशन कथा प्रसाद अवश्य पहुंचे। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक को लेकर। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिएगा, और प्रभु श्री राम जी का तो निरंतर गुणगान करते रहिए, और बाबा हनुमान और बाबा नीमकरणी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सियाराम।